आज काशीपुर में उत्तराखंड कैबिनेट के गठन के बाद पहली बार पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का आगमन हुआ। वे पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर पंचायती पुरस्कार वितरण करने आए। वे लोक निर्माण विभाग एवं सभी निर्माणाधीन कार्यों की स्वीकृति के विभाग उनके पास है। जब सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम वहां उनसे द्रोणासागर और गिरिताल के निर्माण हेतु वार्ता करने पहुंची तो उन्होंने बताया कि द्रोणासागर का कार्य जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। उनका कहना यह भी है कि अभी उसमें कुछ माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है जिनको हटाने की तैयारी चल रही है। साथ ही द्रोणासागर के रुके हुए कामों को जल्दी शुरू करवाने के आश्वासन के साथ काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने भी अपनी बात रखी। देखिए मानिक गुप्ता की खास वार्ता कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के साथ। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से, और आज हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार के मंत्री सतपाल महाराज जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे की द्रोणासागर और गिरिताल के जो सौंदर्यकरण के यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होनी थी उसमें अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ भी कार्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो हमारा महाभारत सर्किट है उसके अंदर जो पांडव और द्रोणाचार्य ये सारी चीज़ें आती हैं तो उसके अंदर हम उसको पूरा बना रहे हैं सर्किट को, और उसके अंदर द्रोण सागर के अंदर क्योंकि द्रोणाचार्य यहाँ पर थे उनको यहाँ भूमि दी गई, पांडवों ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको ये जगह दी तो यहाँ पर द्रोण सागर बना है, उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। और हमारा ये भी है कि वहाँ पर नौकाएँ चलाई जाएँ, कुछ एनक्रोचमेंट हो गया है वहाँ, माफिया लोगों ने कब्जा कर रखा है तो हम चाहते हैं कि उसको हटाया जाए, क्योंकि चुनाव आ गए थे तो सारी प्रक्रिया थोड़ी हमारी बंद हो गई थी। अब निश्चित रूप में हमारे प्रयास जो हैं वो फिर जारी होंगे। मैंने द्रोणासागर कल या परसों विजिट करना है, वहाँ जो भी कमियाँ होंगी वो डिस्क्रिपेंसीज में निकाल के और वहाँ काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये मैं जिस लेवल पर भी अगर रुका है और जिस लेवल पर भी वो स्टार्ट होना है उसको मैं करके इस काम को आगे बढ़ाऊँ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।